हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीआई स्टडी चैनल। आज की क्लास में डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली को समझेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन को समझाया था और उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज और उसके न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको सॉल्व करवाया था। आज की क्लास में डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली को देखते हैं। जनरेटर में क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग होता है। किस प्रकार का होगा वो? अल्टरनेटिंग स्वभाव का होता है, क्योंकि चालक होता है उसके 180 डिग्री के घूमने के पश्चात उसमें जो चुंबक के क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है उसकी दिशा हो जाती है, वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। अतः किसी जनरेटर से प्राप्त विद्युत वाहक बल को आउटपुट में प्राप्त करने की दो विधियां होती है। वापिस बता रही हूँ कि जनरेटर के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसका जो स्वभाव होता है वो अल्टरनेटिंग स्वभाव का होता है, क्योंकि चालक होता है उसके 180 डिग्री के घूमने के पश्चात क्या होगा, उसके जो फ्लक्स की दिशा होती है वो भी बदल जाती है। अतः जनरेटर से जो अपन आउटपुट को प्राप्त करते हैं उस आउटपुट को प्राप्त करने की दो विधियां होती है। पहली होती है स्लिप रिंग और दूसरी होती है स्प्लिट रिंग मेथड। पहले अपन देखते हैं कि स्लिप रिंग क्या होती है। यह दो धात्विक छल्ले होते हैं। स्लिप रिंग क्या होगी? यह दो धातु के छल्ले होते हैं जो तांबे या पीतल के बने होते हैं। आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक स्लिप रिंग होती है वह एक कार्बन ब्रश के संपर्क में रहती है। अतः स्लिप रिंग पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वह प्रत्यावर्ती होगा। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि स्लिप रिंग यदि आपको जुड़ी हुई है तो इससे आउटपुट के रूप में आपको विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो यदि स्लिप रिंग जुड़ी होगी तो आउटपुट हमेशा प्रत्यावर्ती ही अपने को मिलेगा। और स्लिप रिंग होती क्या है? ये दो धातु के छल्ले की टाइप होती है जो पीतल और तांबे की बनी होती है। और इसको स्लिप रिंग को क्या होता है, आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक स्लिप रिंग एक कार्बन ब्रश के संपर्क में रहती है। दूसरी है स्प्लिट रिंग मेथड। स्प्लिट रिंग क्या होता है? इसमें दो स्लिप रिंग, अपन स्लिप रिंग में तो दो स्लिप रिंग काम में लेते हैं, लेकिन जो स्प्लिट रिंग होती है उसमें दो स्लिप रिंग के स्थान पर दो भागों में बटी एक स्प्लिट ही प्रयोग की जाती है, तो उसे स्प्लिट रिंग विधि कहते हैं। इससे प्राप्त होने वाला आउटपुट विद्युत वाहक बल डीसी होगा और यह एक कम्यूटेटर की तरह ही होती है। आपको ये बात याद रखनी है कि यदि स्लिप रिंग लगी होगी किसी भी मशीन या जनरेटर के साथ तो आउटपुट के रूप में हमेशा हमें क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेगा। और वो किस प्रकृति का होगा या किस स्वभाव का होगा? तो वह अल्टरनेटिंग स्वभाव का होगा। और यदि स्प्लिट रिंग लगी होगी, इसे कम्यूटेटर भी बोलते हैं, और कम्यूटेटर हमेशा क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। चाहे स्प्लिट रिंग हो चाहे कम्यूटेटर हो, आउटपुट के रूप में हमेशा अपने को क्या मिलेगा, डीसी ही प्राप्त होगा। अब है जनरेटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। इस वर्गीकरण को मैंने एक आपको चार्ट के रूप में बताया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, और ये चार्ट के रूप में आपको आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। तो डीसी जनरेटर होता है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा होगा उत्तेजना यानी एक्साइटेशन प्रणाली के आधार पर। पहला भाग होता है प्राइम मूवर के आधार पर। इस आधार पर जो डीसी जनरेटर होता है उसे तीन भागों में बांटा है। पहला होगा जल टरबाइन चलित जनरेटर, दूसरा होगा वाष्प टरबाइन चलित जनित्र और तीसरा होगा डीजल इंजन चलित जनित्र। दूसरा है इसका भाग उत्तेजना यानी एक्साइटेशन प्रणाली के आधार पर। इस आधार पर डीसी जनरेटर को वापस दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पृथक उत्तेजित जनित्र और दूसरा है इसका स्व उत्तेजित जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र को
वापस दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्थायी चुंबकीय जनित्र और दूसरा होगा कृत्रिम चुंबकीय जनित्र। वापस कृत्रिम चुंबकीय जो जनित्र होता है उसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होगा सीरीज जनरेटर, दूसरा होगा शंट जनरेटर और तीसरा होगा कंपाउंड जनरेटर। फिर कंपाउंड जनरेटर को वापस उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसके साथ साथ जो कंपाउंड जनरेटर है उसको वापस दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। फिर क्यूम्युलेटिव जो कंपाउंड जनरेटर होगा उसे वापस तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होगा ओवर कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होगा अंडर कंपाउंड जनरेटर और तीसरा होगा लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन को एक चार्ट के रूप में आपको समझाया है ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ सको। एक बार वापस आपको डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन को मैं आपको बता देती हूँ कि जो डीसी जनरेटर होता है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा होता है उत्तेजना यानी एक्साइटेशन प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर जो जनरेटर होगा उसको तीन भागों में बांटा है। पहला होगा जल टर्बाइन चलित जनरेटर, दूसरा होगा वाष्प टर्बाइन चलित जनरेटर और तीसरा कौन सा होगा डीजल इंजन चलित जनरेटर। सेकंड इसका जो भाग है वह उत्तेजना के आधार पर होता है, एक्साइटेशन के आधार पर होगा। इसे भी वापस दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है पृथक उत्तेजित जनित्र और दूसरा होता है स्व उत्तेजित जनित्र। अब स्व उत्तेजित जनित्र को भी वापस दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है स्थायी चुंबक जनरेटर और दूसरा कौन सा होगा कृत्रिम चुंबकीय जनित्र। कृत्रिम चुंबकीय जनित्र को वापस तीन भागों में बांटा गया है जिसे सीरीज शंट और कंपाउंड कहते हैं। और ये जो पोर्शन है ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज शंट और कंपाउंड जनरेटर। अब कंपाउंड जनरेटर भी वापस दो भागों में बांटा गया है, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। वापस कंपाउंड जनरेटर होता है उसको फिर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को वापस तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो आज की क्लास में डीसी जनरेटर के वर्गीकरण तक ही मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर जनरेटर का वर्गीकरण का सारा जो उसका वर्गीकरण है उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे कि ये प्राइम मूवर के आधार पर मैंने आपको बताया ये कैसे वर्क करता है, एक्साइटेशन के आधार पर होगा ये किस तरह से कार्य करेगा, सीरीज शंट और कंपाउंड जनरेटर होता है इसको किस प्रकार से बनाते हैं, इनकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जनरेटर के वर्गीकरण का डिटेल में अपन समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।